अस्सलाम वालेकुम। तो स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में, जिसमें हम आज कुछ आपके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपने पूछे थे नीट के रिलेटेड। तो अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं या अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं जिनको नीट देना है इस साल या अगले साल, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इसको एंड तक ज़रूर देखिए। तो हमारे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि मेरा फोर्थ अटेम्प्ट है और अगर नहीं हुआ मेरी सिलेक्शन तो क्या करूँगा। और उसने पूछा था कि मैंने BSc में एडमिशन भी लिया है, तो हाउ विल आई मैनेज बोथ सिंस टाइम बहुत कम है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इस बारे में सोचे ही नहीं कि सिलेक्शन होगी या नहीं होगी, और आप कंप्लीटली फोकस रहे आप अपने नीट के स्टडीज़ पर, और BSc को भी आप छोड़ दीजिए। अगर आपको सच में नीट करना है तो आप इन मंथ्स में फुली फोकस्ड रहे नीट स्टडीज़ के रिलेटेड, और उन पर ही अपना टाइम सारा स्पेंड करें, ठीक। और सेकेंड थिंग मैं आपको बोलूँगा कि इस पर मैं कुरान की आयत कोट करूँगा, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं वस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाह मअ सबिरीन, यानी कि आप अल्लाह ताला से मदद की तलब करें थ्रू योर प्रेयर्स एंड पेशेंस, और अल्लाह ताला बेशक सब्र करने वालों के साथ होता है। तो अल्लाह ताला का प्लान हमेशा बेस्ट होता है, उसकी क्रिएशन उसकी बंदों के लिए हमेशा प्लान उसका बेस्ट होता है, बट इट इज़ ओनली टाइम दैट विल टेल अस दिस थिंग। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 11th पूरा वेस्ट हो गया है तो 12th में कैसे करेंगे उसको। तो इसमें मैं आपको बोलूँगा कि 11th अगर आपका वेस्ट हुआ है तो आप 12th के इनिशियल 2-3 मंथ्स में 11th को ज़्यादा टाइम दें, 11th का रिवाइज 11th का पढ़े अच्छे से, और फिर बाकी जो 12th के मंथ्स हैं उनमें आप 11th को थोड़ा साथ साथ लेके चले, और 12th का भी अच्छे से पढ़े। पढ़ाई आपको कंसिस्टेंटली करनी है हर दिन, वरना ये ना हो कि आप 11th को कवर करने के चक्कर में 12th से भी हाथ धो बैठेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि कैन आई गेट 400 मार्क्स इफ आई स्टार्ट नाउ। आपसे मैं ये बोलूँगा कि 400 मार्क्स आपके लिए लाना बहुत ईजी है। अगर आप बायो पढ़ोगे अच्छे से, रिवाइज करोगे 2-4 बार, 340 to 350 तक आप बायो में ला सकते हो आराम से, ठीक है। लेकिन बायो को पढ़ना आपको अच्छे से, NCERT पूरी रिवाइज होनी चाहिए, पूरी याद होनी चाहिए आपको। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप देख लो, जिनमें से क्वेश्चन हर साल रिपीट आते हैं, इनमें से 1-2 क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो आप बायो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में फिर 40-50 मार्क्स लाने एंड यू विल स्कोर 400+। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ माई सिलेबस इज कम्प्लीट इन फेबरवरी हाउ टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन। तो आपसे मैं बोलूँगा आप एक काम करेंगे, आप हर रोज़ सुबह बायो को 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे, शाम को 2 चैप्टर्स पढ़ेंगे, और बाकी जो आपको दिन में टाइम मिलेगा आप उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का मिनिमम एक एक चैप्टर रिवाइज करते रहेंगे। उसके आप मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहेंगे और NCERT एग्जाम्पलर्स और जो NCERT के चैप्टर्स के बीच में क्वेश्चंस होते हैं वो आप करेंगे, और इसके साथ साथ आप हर संडे एक टेस्ट भी देंगे, फुल सिलेबस टेस्ट, ताकि उसे आप ये एवेल्युएट कर सके कि आपका सिलेबस अगर कंप्लीट हो रहा है तो आप उसमें से कितना रिटेन कर पा रहे हैं और आपकी एक्चुअल में प्रेपरेशन कितनी है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज वन शॉट सफिशिएंट। तो इस पे मैं बोलूंगा कि ये डिपेंड करेगा कि आपके बेसिक्स कितने क्लियर है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। बायो को मेरे ख्याल से 1 शॉट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें आप NCERT को रिवाइज करते रहिए, आपके लिए वही बेस्ट है, और उसको आप इतना रिवाइज करें कि आपको NCERT की हर एक लाइन याद होनी चाहिए, और उसमें आप मिनिमम 350 ला सके मार्क्स। बट अगर आप फिर भी फिजिक्स को 1 शॉट देखना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अलग सर ने जो खुद आप 1 शॉट्स पढ़ाए थे वो बेस्ट है, मैंने पढ़े थे इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल केमिस्ट्री वीक है, इसके लिए क्या करना है। तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला चार्ट्स बनाओ, और जब भी आपको उस चैप्टर के क्वेश्चंस करने होंगे तो उससे पहले आप वो फार्मूला चार्ट को नज़र एक मारो और फिर क्वेश्चंस करो। अगर इसके बाद भी आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो आप बेसिक्स क्लियर करो, हो सकता है आपके बेसिक्स क्लियर ना हो इसी वजह से आपके क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स कैटेगरी का कट ऑफ कितना होता है और इसका क्राइटेरिया क्या है। तो मोस्टली मैं कहूँगा स्पोर्ट्स कैटेगरी का कट ऑफ 40-50 मार्क्स कम ही होता है ओपन मेरिट के कट ऑफ से, और इसका क्राइटेरिया ये है कि आपको 2 सर्टिफिकेट होनी चाहिए 2 सालों की किसी ऐसी गेम में जो कि स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंडर आती हो, ठीक है। या अगर आपके पास 2 सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास 1 साल की ऐसी सर्टिफिकेट होनी चाहिए जिसमें आपने कोई मेडल भी जीता हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, बायो को कैसे रिवाइज करो। तो
तो बायो को अब आपको डेली दो दो चैप्टर्स पढ़ने हैं बायो के, और शाम को भी दो दो चैप्टर्स बायो के पढ़ने हैं जो मैंने पहले भी बोला, और बीच में जो आपका दिन बचता है उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री रिवाइज करना है। बायो को कैसे रिवाइज करना है कि एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो आपने पहले हाईलाइट करके रखे होंगे तो उनको रिवाइज करते रहना है, एग्जाम्पल्स को याद रखना है, आप अपने हिसाब से कोई न्यूमॉनिक बना सकते हो उनको याद रखने के लिए, और ट्राई टू रिवाइज द चैप्टर्स इन मिनिमम टाइम। जितना आपको कम समय लगेगा चैप्टर्स को रिवाइज करने में उतना ही आपको ज्यादा रिविजन्स होते रहेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि आप खाली पढ़ते जाओ याद कुछ ना रहो, याद भी रखना है और रिवाइज भी कम कम टाइम में करते रहे। तो अगला क्वेश्चन है कि शुड आई ज्वाइन अ लाइब्रेरी, तो मैं बोलूंगा इफ यू हैव द रिसोर्सेज, एंड अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो घर पे या हॉस्टल में या कहीं पे जहाँ पे आप हो, अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो आप जरूर जाए लाइब्रेरी, वहां पे आप अच्छे से पढ़ सकते हो। आखिरी क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स डिड यू रिवाइज बायो, तो मैं कहूंगा कि 5-6 बार तो मैंने किया होगा रिवाइज बायो को, मे बी मोर और मे बी लेस, लेकिन मिनिमम आपको भी 4-5 बार तो रिवाइज करना पड़ेगा। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं, तो अगर आपको इसके बगैर भी कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस कर सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी और को इसे फ़ायदा हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।